जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित शेगांव, जहां पे गजानन स्वामी जी का मुख्य मंदिर स्थित है, इसकी बात हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप शेगांव जाने का विचार बना रहे हैं और आपके अगर मन में कोई योजना है शेगांव जाने के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको शेगांव कैसे पहुंचना है, शेगांव में आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, शेगांव में हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था है, शेगांव के गजानन स्वामी जी के दर्शन करने के लिए हमको मंदिर में प्रवेश करने से पहले किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा, शेगांव में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, और वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा शेगांव को घूमने में। तो बने रहिए दोस्तों मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको शेगांव यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका खर्चा भी कम से कम बजट में हो जाए। तो बिना विलंब किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको शेगांव कैसे पहुंचना है। दोस्तों, शेगांव पहुंचने के लिए जो सबसे सुखद साधन है वो तो है आपका बाई ट्रेन, जो कि आपको शेगांव में ही रेलवे स्टेशन मिल जाएंगे। तो आप शेगांव उतर सकते हैं, जो कि मंदिर परिसर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये शेगांव रेलवे स्टेशन आपका पड़ता है। हालांकि दोस्तों, शेगांव में सभी प्रमुख ट्रेनें नहीं रुकती है, कुछ कुछ ट्रेनों का ही वहां से परिचालन है। लेकिन अगर आपकी ट्रेन शेगांव नहीं पहुंचती है, तो अगर आप पूरब साइड से या नॉर्थ साइड से आ रहे हैं, तो आपका जो नियरेस्ट स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा आपका अकोला, या फिर आपका अगर साउथ साइड से आते हैं तो फिर वो आपका पड़ेगा भुसावल। तो दोस्तों, अकोला या फिर भुसावल, ये दोनों रेलवे स्टेशन उतर के आप शेगांव की कोई भी कनेक्टिंग ट्रेन या फिर बाई बस के माध्यम से आप शेगांव पहुंच सकते हैं, जो कि बुलढाणा जिले में स्थित है। तो दोस्तों, आपको शेगांव पहुंचने के लिए ये ऑप्शन मिल जाते हैं, और अगर आपकी ट्रेन शेगांव तक रुकती है तो फिर तो वेल एंड गुड। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हम शेगांव पहुंच चुके हैं, अब हमको मंदिर परिसर कैसे पहुंचना है और हमको वहां पर रुकने की क्या क्या व्यवस्था है। दोस्तों, शेगांव मंदिर कैंपस तक पहुंचने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से एक फ्री बस सर्विस चलती है, जो कि गजानन स्वामी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये सर्विस चलाई जाती है। तो रेलवे स्टेशन के सामने से जब आप आएंगे, तो वहां पे एक फ्री बस सर्विस आपको खड़ी मिलेगी, तो वो आप बस पे बैठिए और आपको वो टेंपल तक फ्री ऑफ कॉस्ट पे छोड़ देगी। या नहीं तो अगर आप ऑटो के माध्यम से आना चाहते हैं, तो आप शेगांव रेलवे स्टेशन से 10-10 रुपए देकर आप प्रति व्यक्ति के हिसाब से आप मंदिर कैंपस तक पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम मंदिर कैंपस पहुंच चुके हैं, और अब बात करते हैं कि हमको अपनी रूम की बुकिंग कैसे करनी है और हमको रूम कहां मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गजानन स्वामी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ही वहां पे आपको रुकने की व्यवस्था दी जाती है, लेकिन अगर आप बैचलर है या फिर अगर आप 2 व्यक्ति है, तो फिर वहां पे आपको रूम अलॉट नहीं किया जाएगा मंदिर कैंपस के पास, क्योंकि गजानन स्वामी का जो भक्त निवास है वो एक नहीं बल्कि 3 से 4 जगहों पे है। तो एक तो आपका मंदिर के पास में ही है, जिसको भक्त निवास 1 बोला जाता है, और दूसरा भक्त निवास 2 है, वो भी आपके मंदिर परिसर के पास में ही है। तो दोस्तों, इन दोनों भक्ति निवास में आपको फिलहाल रूम की अभी सोलो के लिए नहीं दिया जाता, लेकिन अगर आपकी फैमिली है तो आप वहां अपना स्टे बना सकते हैं। एक दिन के रूम के किराए की बात करूं, जो कि नॉन एसी है, वो आपका 400 रुपए पड़ता है। तो आप ये वहां पहुंचकर आप अपने रूम ले सकते हैं, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो। वही अगर आप 2 लोग हैं, या फिर अगर आप सिंगल आ रहे हैं और अगर आपको वहां रुकना है, तो फिर आप वहां से 3 किलोमीटर दूरी एक आपका पड़ता है आनंद विहार विसावा, तो दोस्तों आप वहां जा सकते हैं। या नहीं तो आप आनंद सागर भक्त निवास में भी जा सकते हैं, वहां भी आपको रुकने की उत्तम व्यवस्था, खाने पीने की उत्तम व्यवस्था वहां मिल जाएगी, जो कि गजानन स्वामी मंदिर ट्रस्ट का ही है। तो दोस्तों, आनंद सागर विसावा में आपको वहां पे अलग अलग बिल्डिंग्स दिखेगी, जो कि आपका 1A 2A 2B, इस तरीके से वहां पे अलग अलग बिल्डिंग्स है, वहां आप जाइए। दोस्तों, अगर आप सिंगल है और अगर आप रूम नहीं लेना चाहते हैं, तो आप वहां 50 रुपए डिपॉजिट करके आप वहां डॉर्मेट्री में चले जाएंगे। दोस्तों, एक रूम में आपको वहां पे 15 बेड देखने को मिलेंगे, इस 15 बेड में आपको तकिए चादर भी उपलब्ध कराए जाएंगे, तो आप अपने 1 बेड लेकर वहां विश्राम कर सकते हैं, और 50 रुपए इस रूम का टैरिफ होता है, जो कि काफी नीट एंड क्लीन रूम होती है। तो आप इस तरीके से आप यहां स्टे बना सकते हैं। अब बात करते हैं जो मंदिर परिसर से आपने आनंद सागर विसावा जो जाना था, जो कि 3 किलोमीटर मैंने बताया था, ये 3 किलोमीटर के लिए आपको वहां से बस मिलती है। कहने का मतलब ये है कि वहां पे गजानन स्वामी का जो मंदिर ट्रस्ट है, तो वो आपको फ्री बस सर्विस के माध्यम से आप कहीं भी आवागमन कर सकते हैं, जो कि आप सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक की ये परिचालन शुरू रहती। तो आप ट्रस्ट के बस के माध्यम से ही आवागमन कर सकते हैं, तो आपको किसी भी तरीके की अतिरिक्त शुल्क देकर आपको ऑटो प्रयोग नहीं करना है। चलिए दोस्तों, दर्शन करने से पहले हम एक और बात कर लेते हैं कि हमको वहां पे शेगांव में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, हालांकि शेगांव में या फिर किसी भी शहर में आपको प्राइवेट होटल्स, रेस्टोरेंट, ढाबा, ये सारी चीजें इत्यादि देखने को तो मिलती है, लेकिन अगर आप शेगांव गए हैं और गजानन स्वामी जी के प्रसादालय का भोजन ग्रहण नहीं किए, तो फिर आपने किसी भी चीज का स्वाद मेरे ख्याल से नहीं देखा। दोस्तों, आपको मंदिर परिसर में ही, या फिर ये कहना चाहिए कि जहां भी आपने स्टे किया है, आनंद सागर विसावा हो, चाहे आनंद विहार हो, या फिर भक्त निवास हो, जहां कहीं भी स्टे किया, वहां पे हर जगह आपको गजानन स्वामी जी का भोजनालय यानी कि प्रसादालय देखने को मिलेगा। वहां आप जाइए, 35 रुपए में एक व्यक्ति की भरपेट थाली रहती है। आप वहां पे 2 बार 3 बार जितने बार आपको खाने की इच्छा हो, आप वहां भरपेट भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, तो 7 रुपए में आपको उपमा, पोहा, और 20 रुपए में आपको इडली, और 10 रुपए में दूध, चाय, कॉफी, ये सारी चीजें ब्रेकफास्ट में मिलती है। तो आप इस तरीके से गजानन स्वामी जी के ट्रस्ट का इस उचित मूल्य पर आप अपने भोजन ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये बात थी कि अगर आप प्रसादालय में भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप बाहर खाना चाहते हैं, तो शेगांव की सबसे प्रसिद्ध है वहां पे कचौड़ी, तो आप कचौड़ी भी जरूर खाइएगा, क्योंकि शेगांव
कचौड़ी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और वहाँ की कचौड़ी आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हमको अब गजानन स्वामी जी के दर्शन करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आप डबल वैक्सीनेटेड है तो आप सर्टिफिकेट जरूर लेके जाए। और दूसरी चीज ये कि दर्शन करने से पूर्व आपको एक निकलवाना पड़ेगा दर्शन पास, जो कि आप ऑनलाइन इस वेबसाइट में जाके भी निकलवा सकते हैं, या नहीं तो आप जहां भी स्टे किए हैं वहां के ऑफिस में जाइए, वहां अपना आधार कार्ड दिखाइए, एड्रेस बताइए और आप वहां से आपको ऑफलाइन यात्रा पर्ची भी मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप अपना ऑनलाइन ही करवा कर प्रिंट करवा लीजिए, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। दोस्तों, एक चीज ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जो भी यात्रा पर्ची निकलवाएंगे वो आपकी प्रिंट आउट आपके पास होना अनिवार्य है, और आप आधार कार्ड भी अपने साथ रखिए और मंदिर प्रांगण में प्रवेश कीजिए। दोस्तों, मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते साथ ही आपको सभी तरीके की शांत भरा माहौल नजर आएगा और कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश कीजिए। गजानन स्वामी जी के दर्शन में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर वो गुरुवार नहीं है या फिर अगर संडे नहीं है तो, क्योंकि गुरुवार और संडे को गजानन स्वामी जी के मंदिर में काफी ज्यादा भक्तों की भीड़ होती है, तो आप इन दो दिवस को छोड़कर आप किसी भी समय गजानन स्वामी जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो। दोस्तों, जय गजानन स्वामी जी का नारा लगाते हुए मंदिर प्रांगण प्रवेश कीजिए, लाइन में लगिए, गजानन स्वामी जी के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं मांगिए और मंदिर प्रांगण से बाहर आइए। दोस्तों, वहां पे आपको कुछ डोनेशन का क्यू मिलेगा, तो अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो वहां डोनेशन देके आपको वहां पे रिसिप्ट मिलेगी और आपको एक लड्डू मिलेगा, तो ये चीज भी आप वहां पे कुछ अपनी इच्छा अनुसार अगर आप कुछ अर्पण करना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हमको शेगांव में और कौन कौन से स्थान पे घूमना है। तो दोस्तों, शेगांव हालांकि एक पंचायत है तो ज्यादा दर्शनीय स्थल तो नहीं है, लेकिन यहां पे ही मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक बनाया गया है आनंद सागर, जो कि एक बहुत बड़ा गार्डन है। यहाँ पे आपको टॉय ट्रेन भी देखने को मिलेगी, फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, जू देखने को मिलेगी, एक पर्यटन स्थल, मतलब हर प्रकार की चीजें इस आनंद सागर पार्क में उपलब्ध है। हालांकि दोस्तों, अभी इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है करके कुछ समय के लिए इसको अभी रोका गया है, लेकिन आने वाले समय पे आनंद सागर पुनः अपने सुचारू रूप से आरंभ होके सभी चीजों का आप लुफ्त उठा सकेंगे, तो आप आनंद सागर भी जरूर जाइएगा और शेगांव को आप इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि हमको शेगांव में कितने दिन की ट्रिप बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप काफी दूर शहर से आए हैं, अगर आप लोकल नहीं है तो आप एक रात का स्टे बनाइए, यानी कि अगर आप एक रात दो दिन की ट्रिप बनाते हैं तो आप शेगांव गजानन स्वामी जी के दर्शन भी अच्छे से कर लेंगे और आप आसपास के एक दो जगह हैं वो भी आप इजीली घूम लेंगे। तो दोस्तों, आप एक रात दो दिन की यात्रा जरूर बनाइए शेगांव की और अपनी वापसी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली अंतिम बात करते हैं कि हमको शेगांव घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप एक रात दो दिन की ट्रिप बनाते हैं और अगर आप ट्रस्ट के रूम में ही रुकना चाहते हैं और प्रसाद भी आप गजानन स्वामी जी के प्रसादालय में ही ग्रहण करते हैं, तो मान के चलिए कि एक व्यक्ति का जो खर्चा आएगा वो आपका हार्डली 1000 से 1500 रुपए आएगा और आप शेगांव के गजानन स्वामी जी के दर्शन अच्छे से कर लेंगे। दोस्तों, इस फेयर में मैंने किसी भी तरीके के आपके ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट, आपके शॉपिंग के खर्चे, ये सब खर्चे को ऐड नहीं किया है। इस खर्चे में मैंने केवल और केवल आपके वहाँ के लोकल जो खर्चे होंगे उसके खर्चे, आपके खाने पीने के खर्चे और आपके रुकने की, यानी कि एकोमोडेशन के जो भी खर्चे होंगे उस खर्चे को ऐड किया जाए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 1000 से 1500 रुपए आएगा और आप बुलडाणा जिले के शेगांव यानी कि गजानन स्वामी की नगरी आप अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। तो दोस्तों, ये था शेगांव आपको कैसे पहुंचना है और किस तरीके से एक्सप्लोर करना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रा बस आईडी में विजिट करके जो भी आपके प्रश्न है वो प्रकट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में लीन हो जाए और उस वीडियो को क्लिक करें। इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रा बस को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए जोश के साथ और एक नए धार्मिक या फिर पर्यटन स्थल के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, आपकी यात्रा मंगलमय हो।